हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, सच में उसकी सब्जी इतनी ज्यादा जायकेदार बनती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तब बाकी और किस तरह से बनती है वो अलग बात है, लेकिन एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, बेहद पसंद आएगी आपको, आपके घर वालों को, जिसे भी आप खिलाएंगे ना दोबारा जरूर फरमाइश करेंगे। तो एक बार बनाकर देखने में क्या जाता है भाई, एक बार ट्राई जरूर करें, पसंद आ जाए तो फिर कमेंट करना और लाइक करना तो बनता है। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये मोटी वाली मिर्च लिए हमने, इसका कलर थोड़ा रेड ऑरेंज भी हो गया है, लेकिन ये हरी होती है वैसे पूरी। तो ये हमने मिर्च ली है और साथ में तीन चार हरी मिर्च जो छोटी पतली तीखी होती है वो वाली भी ले ली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता, तो इस वजह से हरी मिर्च भी हम यूज़ करेंगे जिससे कि थोड़ा तीखापन आ जाए। अब इस मिर्च को ना बीच से काट लिया था, कुकिंग ऑयल लिया, गर्म किया और उसमें मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो हमने जो मिर्च को फ्राई किया है वो हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बचा हुआ जो कढ़ाई में ऑयल है उसी ऑयल में फटाफट से हमें डाल देना है जीरा। तो ऑयल एकदम गर्म है, हाफ टी स्पून जीरा डाला और डालते ही कुछ सेकेंड्स में कलर उसका चेंज होने लगा है, देख सकते हैं आप। तो अब हमें यहाँ ऐड कर देनी है प्याज। तो दो प्याज ली थी हमने, उसका फाइन पेस्ट बना लिया था, वो डालनी है। अच्छा, एक बात ज़रूर बताइएगा, जिस तरह से यहाँ हम ये मिर्च की सब्जी बना रहे हैं क्या आप भी इस तरह से बनाकर खा चुके हो? अगर हाँ तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलना और प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे जो बर्तन में, मतलब जिस बर्तन में प्याज थी उसमें थोड़ा प्याज लगा रह गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से साफ करके वो भी इसमें ऐड कर दिया प्याज में। और साथ में यहाँ ऐड कर देना है लहसुन का पेस्ट। अच्छा, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ लहसुन डालना है हमें। और साथ में यहाँ लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी और सौंफ धनिया पाउडर जो होता है वो लिया है 1 टीस्पून एकदम भर के सौंफ धनिया, मतलब हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। और साथ में यहाँ हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अगर आपको मिर्च ज़्यादा ही तीखी करनी है तो आप यहाँ हल्की सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ जब मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट दिखने लगे, तब हम यहाँ ऐड कर देंगे मिर्च और मिर्च डालते ही मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है और बाद में इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है एक उबाल आने के बाद, करीब 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर पानी आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा अभी और भी है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फटाफट से पानी को खुश्क कर लें और बाद में इसे खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। अगर पसंद आ जाए तो भाई लाइक ज़रूर कर दिएगा, कॉमेंट में बताइएगा वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।